हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, साल का पहला प्रदोष, पहली मासिक शिवरात्रि, जिसमें अगर आप ये एक उपाय भी कर लेते हैं तो मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कोई भी उपाय करो तो कम से कम 3 महीने लगते हैं मनोकामना पूरी होने में, पर अगर इस उपाय को कर लिया जाता है तो मात्र 3 दिन में ही कामना पूरी हो जाती है। बस शर्त यह है कि उपाय को बड़े मन से और भाव से करना रहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। गुरुदेव अपनी कथा में जो भी उपाय बताते हैं आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं। चलिए बात करते हैं उस अचूक और सबसे प्यारे उपाय की, जिससे मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आप शिवालय जाएं, शिव मंदिर जाएं, आपका जो पूजन अर्चन आपको करना है वह आप कर सकते हैं। बस आपको साथ में 2 बेलपत्र लेकर के जाना है। अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र को भी आप ले सकते हैं। बेलपत्र कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से देख लीजिए। धो करके उस पर आप चंदन का टीका लगा दीजिए। उसके बाद पहली बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही करना। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करें। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखना है, बाहर की तरफ। इस तरह से बेलपत्र समर्पित करनी है कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रहे। आपकी जो भी मनोकामना है बोल दीजिए। जो दूसरा बेलपत्र है वह आपको शिवलिंग पर अर्पण करना है। उसकी डंडी का मुख भी जलाधारी की तरफ यानी कि अशोक सुंदरी माता की तरफ रहना चाहिए। कोशिश करिएगा आप ऐसी जगह बैठे कि जलाधारी आपके ठीक सामने हो, यानी कि आपका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ रहे, क्योंकि जलाधारी भी उत्तर दिशा की तरफ होती है। उसके बाद थोड़ा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और वही धार ले जाते हुए अशोक सुंदरी माता की तरफ ले जाएं। इस तरह से जल चढ़ाएं जिससे मनोकामना जरूर और जरूर पूरी होती। हाथ जोड़ विनती करें और झोली फैला करके बाबा से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना जरूर करें। चलिए जानते हैं इस उपाय को करना कब है। इस उपाय को दिन में कभी भी किया जा सकता है और जो दिन रहेंगे वह है सोमवार या सोमवार की अष्टमी, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि। इन पर इन उपायों को आप जरूर और जरूर करें जिससे बाबा आपकी कामना जरूर सुनेंगे। वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। हर हर महादेव।